वेलकम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाया होगा और आपको इस बात का थोड़ा दुख भी होगा कि दिवाली के कारण आपकी पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, जिसके कारण बहुत सारी पढ़ाई आपकी बाकी रह गई है और अब आपको पूरा जान लगाकर पढ़ना होगा। समय कम बचे हैं और कोर्स ज्यादा है आपका, कम समय में ही बहुत सारे चैप्टर खत्म करने होंगे आपको और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता एक ही जगह पर रहे। कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो, बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करने से पूरे दिन की पढ़ाई भी ना 2-3 घंटे में ही हो जाती है, लेकिन भटके हुए ध्यान के साथ पूरा दिन पढ़ने पर भी ज्यादा तैयारी नहीं हो पाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि जिस काम में मन, दिल और एकाग्रता ना हो उस काम को करना ही व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे काम कभी सफलता नहीं देते। अधूरे मन से किया गया कार्य कभी पूरा रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। मान लो कि आप लोग 4 भाई बहन हो और इस दिवाली में आपको आपके पिता ने 1,000 रुपए दिए हैं। आपके पिताजी ने कहा 1,000 रुपए को 4 भाइयों बहनों में बराबर से बांट लो, तो चारों भाइयों और बहन के हिस्से में मात्र 250-250 रुपए ही जाएंगे। उस 250 रुपए में अगर आप कुछ खरीदना चाहोगे तो ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाओगे, लेकिन 1,000 रुपए में आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, 100% एकाग्रता के साथ आप दुनिया के कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन जब आप पैसे की तरह उसे कई सारे हिस्से में बांट देते हो तो आपको आसान काम भी कठिन लगने लगता है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार बुद्धि उन्हीं की तेज चलती है जिसकी एकाग्रता मजबूत होती है। जो भी व्यक्ति एकाग्रता से पढ़ाई करता है वह पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता है। इसलिए आज मैं पढ़ाई में एकाग्रता यानी फोकस को 10 गुना बढ़ाने के तरीके बताने वाला हूं। ऐसे जबरदस्त तरीके बताने वाला हूं कि आप दिन भर की पढ़ाई को भी कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर लोगे और 1 महीने की पढ़ाई को भी कुछ ही दिनों में पूरा कर लोगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, हर कार्य में एकाग्रता की प्रैक्टिस करें। हर इंसान जाने अनजाने में एकाग्र न रहने की प्रैक्टिस करता है। एग्जांपल के लिए कुछ लोग इस वीडियो को देखते हुए या तो कमेंट पढ़ रहे होंगे या फिर दूसरे के वीडियो को नीचे स्क्रॉल कर रहे होंगे, मन कर रहा होगा दूसरा वीडियो देख लेते हैं। अर्थात जो अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं वो खुद अपने ध्यान को भटका भी रहे हैं। अगर आप एक वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा वीडियो आप पूरा देख पाओगे। इसी तरह हम दिन भर में कई काम करते हैं, जैसे पढ़ते हुए भी दोस्तों के बारे में सोचना या मोबाइल चलाना या पढ़ते हुए किसी से बात करना। ऐसा करके आप ना तो ठीक से पढ़ रहे हो, ना ठीक से किसी से बात कर रहे हो, ना ही दोस्त या मोबाइल में पूरा ध्यान दे पा रहे हो। आपने कभी एक समय में एक काम करने की प्रैक्टिस ही नहीं की है, बल्कि एक समय में कई काम करने की प्रैक्टिस की है, जिसके कारण पढ़ते समय आपका ध्यान भटक जाता है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आपकी बुद्धि इतनी तेज क्यों है, तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक समय में एक काम करने से ही बुद्धि और एकाग्रता तेज होती है। मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा देता हूँ। इसीलिए तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद कुछ ही मिनटों में एक पूरी बुक पढ़ लेते थे। इसलिए अपने हर काम में फोकस रहने की प्रैक्टिस करो। मेरा वीडियो देखो या किसी दूसरे व्यक्ति का वीडियो देखो, एक वीडियो को देख रहे हो तो एक वीडियो पर अपना ध्यान रखो। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो आप न तो पूरी जानकारी ग्रहण कर पाओगे और न ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, बल्कि और भी ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे ही आप एक वीडियो को पूरा देखे बगैर दूसरे वीडियो में जंप करते हो, मतलब कूद देते हो, फिर आपका ध्यान वहाँ भी नहीं रुकता है, उसे भी अधूरा छोड़कर आप फिर किसी और वीडियो में कूदना पड़ता है आपको। अर्थात अनजाने में ही सही, लेकिन आपने खुद ही अपने ध्यान को भटकना सिखा दिया है। इसी कारण पढ़ते समय भी आपका मन, आपका दिल भी कहीं और होता है और आपकी पढ़ाई जो 2 घंटे में हो सकती थी उसे आप पूरा दिन भर बैठ कर पढ़ते हो, फिर भी पढ़ाई पूरी नहीं होती। टॉपर स्टूडेंट पूरा दिन भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी पढ़ते हैं ना वो पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं। आज से अपने छोटे से छोटे काम में भी इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको एक समय में केवल एक काम करना है। नंबर 2, अनुशासित रहे। अनुशासन से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। अनुशासन हर मर्ज की दवा है। अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो इससे भी आपकी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि इससे आपका हर चीज का समय फिक्स होता है। आप फिक्स समय में अपना काम या पढ़ाई खत्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स करने के बाद पढ़ाई से ज्यादा ध्यान घड़ी पर लगाते हैं, इसलिए उनका पढ़ना भी व्यर्थ है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि एक समय में केवल एक काम करो। जो अनुशासित नहीं होते उन्हें दिन भर में कई बार लगता है कि उनके पास खाली समय है, या फिर वे टाइम पास करते रहते हैं, और खाली दिमाग हमेशा शैतान का होता है। जितना ज्यादा खाली रहोगे उतनी ही नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे और फिर आपका ध्यान पढ़ाई में लगने के बजाय उन
उन्हीं फालतू के विचारों में चला जाएगा। अनुशासित रहने से आपका दिमाग फालतू के विचारों से मुक्त रहता है और गैर जरूरी चीजों के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहता है, जिसके कारण पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होता है। अनुशासन से पढ़ने की स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है, जिसके कारण कोर्स भी जल्दी पूरा हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन बनाकर तैयारी में इतने व्यस्त रहो कि मन में ना तो फालतू के विचार आए और ना ही आपका ध्यान भटके। नंबर 3, पढ़ने की जगह को खाली रखें। स्टडी टेबल में यदि एक साथ बहुत सारे बुक होंगे या पढ़ाई के बुक के अलावा कुछ और भी बहुत सारे सामान होंगे, चाहे वो सामान मोबाइल हो या कुछ और हो, तो आपकी नजरें बार बार उसी में जाएगा, अर्थात फिर से आपका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए पढ़ते समय अपने नजरों के सामने केवल एक ही बुक रखे जिसे पढ़ना है, बाकी बुक्स या सामान को अलग जगह पर रख दे, ताकि पढ़ते समय सिर्फ एक ही विषय पर एक ही चीज पर ध्यान रहे और आप पूरी एकाग्रता से पढ़ाई कर पाए। नंबर 4, मेरे पिछली बातों का अनुसरण करें। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छे फल फ्रूट्स के बारे में बताया है, डाइट के बारे में बताया है। शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत है। उसके लिए बादाम, अखरोट, दूध, संतरा, नींबू, सूरज की रोशनी, सेब, केला, दाल, फली, इन सभी फल या ड्राई फ्रूट्स को या नट्स को खाने से आपकी एकाग्रता तेज होती है। नंबर 5, डिसीजन लेने में दृढ़ बने। बार बार कंफ्यूज होने वाली की एकाग्रता सबसे ज्यादा कमजोर होती है, क्योंकि कंफ्यूज रहने वालों की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास कमजोर होती है। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास कमजोर होने से एकाग्रता भी कमजोर हो जाता है, जो अपने एक फैसले में अटल रहते हैं, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ एक ही फैसले पर टिके रहते हैं, उसकी एकाग्रता भी बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि ऐसे लोग जिद्दी भी होते हैं, एक बार जब वे ठान लेते हैं कि उन्हें चैप्टर खत्म करना है तो करना ही है। अगर वे ठान लेते कि टॉपर बनना है तो फिर वे पूरी जान लगाकर टॉपर बनने के लिए एक ही चीज पर, मतलब पढ़ाई पर फोकस करते हैं। उनका ध्यान भटकता ही नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उनका दिमाग तेज चलने लगता है, एकाग्रता भी स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 6, गहरा श्वास, पानी, पेन, अफर्मेशन का प्रयोग करें। जब भी थकावट लगे या ध्यान भटकने लगे तो लंबा और गहरा श्वास लेना चाहिए और पानी पिए, जिसके कारण स्ट्रेस कम होगा, मन शांत होगा और आप फिर से रिफ्रेश होकर एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाओगे। हर दिन पेन से अपनी डायरी में लिखें कि मेरी एकाग्रता मजबूत है, मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ, मेरी याददाश्त तेज है। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, इन 6 पॉइंट को ईमानदारी से फॉलो जरूर करें, आपकी एकाग्रता ना पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।